तुम पूछ रहे हो कि आज से 5-7 साल पहले खाते थे, पीते थे, खेलते थे, चैन की नींद सोते थे, अब नहीं होता, कुछ बदला है। तो तुम ही मुझे बताओ कि क्या बदला है, क्या बदला है? सर, ये बात तो हमारे मैंने कहा कि हम लोग जब छोटे रहते हैं तो मेरी ख्वाहिश रहती कि मैं बड़ा हो जाता तो मैं ऐसा करता। अब जब बड़ा हूँ तो मैंने कभी कभी नहीं कि काश कोई मुझे वो बचपन लौटा दे, वो माँ का बयान और पिताजी की पड़कार, वो एक कोने में छिप कर रोना, ये सब। मतलब मैं फिर अब मतलब अपोजिट चाहता हूँ, मतलब ऐसा क्यों? बड़े होने के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर जो इधर उधर से धूल है वो बड़ी होती जा रही है, और दूसरा ये हो सकता है कि बड़े होने का अर्थ है कि आगे बढ़ना, और तुमने उस धूल की सफाई करी है आगे बढ़ने में। दोनों काम हो सकते हैं। एक उम्र तक तो तुम्हारे पास कोई विकल्प होता नहीं है। बाहर से जो भी बातें आ रही हैं तुम्हें माननी पड़ेंगी, स्वीकार ही करनी पड़ेंगी। तुम न जानते न समझते, निर्भर और हो तुम दूसरों पर, तो जो कुछ भी तुम्हें बाहर से मिलता है तुम्हें लेना ही पड़ेगा। पर उसके बाद दो रास्ते खुलते हैं। एक तो ये है कि जो बाहर से आ रहा है वो आता ही जाए, और उसके आने की गति भी बढ़ती जाती है। पहले तो तुमसे समाज छोटी मोटी अपेक्षाएं ही रखता था, एक उम्र के बाद अपेक्षाएं और बड़ी हो जाती हैं और बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो बड़े होने का एक अर्थ तो ये हो सकता है कि दुनिया मुझसे जो चाहती है, जो मांगती है, मेरे ऊपर जो तथाकथित जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों से संबंधित जो तनाव है वो बढ़ते ही जाएंगे। बड़े होने का एक अर्थ तो ये हो सकता है, और बड़े होने का दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि ये तो रहने ही दो कि हमने अपने ऊपर तनावों को और बढ़ा लिया, हमारे ऊपर पहले से जो बोझ था हमने उसको भी साफ कर दिया। बड़े होने का अर्थ है साफ करना। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम बड़े होने की कौन सी परिभाषा चुनते हो। बड़े होने का अर्थ हो सकता है कि मेरे पास सर पे 5 किलो वजन था और मैंने उसको 50 किलो कर लिया, और अब मैं दबा जा रहा हूं उस बोझ के नीचे। या बड़े होने का ये अर्थ भी हो सकता है कि मेरे सर पे जो 5 किलो वजन था मैंने वो 5 किलो भी हटा दिया, और अब मैं पूर्णतया मुक्त हूं। दुर्भाग्य की बात यह रहती है कि हम में से ज्यादातर लोग बड़े होने की पहली परिभाषा ही चुनते हैं। हम सोचते हैं बड़े होने का अर्थ ही है अपने कंधों पे और बोझ ले लेना, पढ़ाई ही यही बात गई है, और तो दुनिया हमारे साथ करती भी यही है। तुम देखो क्या होता है, भारत में दूसरी तीसरी पांचवी छठी तक तो करीब करीब सभी बच्चे पढ़ जाते हैं, पर 8वीं 9वीं तक आते आते बच्चे स्कूलों से निकलना शुरू हो जाते हैं, ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पर लड़कियां। उम्र बढ़ी नहीं जरा सी कि कहा जाता है कि अब पढ़ के क्या करोगे, अब खेल कूद के क्या करोगे, अब तो तुम आओ और जरा जिम्मेदारी लो। बाप अकेला कमाता है, माँ अकेली कमाती है, तुम भी जरा बोझ अपने ऊपर लो, समझ रहे हो ना? और ये शिक्षा भी तुम्हें बार बार दी जाती है, तुम छोटे हो और तुम जरा मौज मस्ती कर रहे हो तो समाज उसको एक बार को झेल भी लेता है, स्वीकार कर लेता है, माफ कर देता है। पर अगर तुम बड़े हो गए और तुमने नाचना कूदना उछलना कूदना शुरू कर दिया तो कहा जाता है इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। ये कहा जाता है बच्चों ऐसी हरकतें मत करो, ये कहा जाता है कि अब जरा गंभीरता आ जानी चाहिए तुम में, तुम बड़े हो गए हो, समझ रहे हो? तो जो समाज ने तुम्हें परिभाषा दी है उसमें बड़े होने का अर्थ ही होता है अपना बोझ बढ़ाना, अपना जो सहज हास्य है, अपना जो सहज नृत्य है, खिलवाड़ है, उसको दबा देना, उसका कत्ल कर देना।
लड़कियां होती हैं उनकी एक उम्र आ जाए उसके बाद कहा जाता है ये क्या तुम बात बात पे हंसती रहती हो, अब जरा तुम में गंभीरता आ जानी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में तुम जैसे भी थे, सातवीं आठवीं नौवीं तक चल जाता है, दसवीं में आते तुमसे कहा जाता है अब नहीं, अब दसवीं है, अब तुम बड़े हो गए हो और महत्वपूर्ण एग्जाम है, दसवीं है बारहवीं है। अब तुम क्या करोगे जब यही परिभाषा लेके तुम चल रहे हो, तो तुम्हें अपना सारा हल्कापन बोझिल करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं ये झूठी परिभाषा है बड़े होने की। बड़े होने का वास्तविक अर्थ है कि नया बोझ तो लेंगे ही नहीं, पुराना भी हटा देंगे। पहले तो फिर भी हम थोड़ा बहुत दब जाते थे, पहले तो हम फिर भी थोड़ा बहुत कचरा अपने ऊपर लिए रहते थे, अब हम कचरा पूरा ही साफ कर देंगे। यही वास्तव में परिपक्वता है, यही एडल्टहुड है, यही मैच्योरिटी है, इसी को कहते हैं बड़ा होना। बड़ा वो नहीं है जिसके कंधे झुक गए हैं, जिसके चेहरे पे तनाव है, जिसकी हंसी छिन गई है, जो व्यर्थ ही गंभीर है। बड़ा वो है जो हल्का है, जो उड़ रहा है, जिसका मन साफ है। समझना नहीं बात। अब ऐसे व्यक्ति को दुनिया भले सम्मान न दे या पहचान न दे, पर ऐसे व्यक्ति पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। और दुनिया किन की है? दुनिया ऐसे लोगों की है जो बड़े हो ही नहीं पाए। मानसिक रूप से दुनिया की जो औसत उम्र है वो 13-14 वर्ष से ज्यादा की नहीं होगी, दुनिया वहीं पे जाके रुक जाती है। समझ में आ रही बात? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अपना मन है, तुम्हारी धारणाएं ही दुश्मन है तुम्हारी। ये धारणा मन से निकाल दो कि तुम्हें गंभीर रहना है। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे खेलने कूदने का मन ना करता हो, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसका व्यर्थ ही दौड़ लगाने का मन ना करता हो, तुम्हें से कोई ऐसा नहीं है जिसका सब कुछ छोड़ छाड़ करके यूं ही किसी पहाड़ पे कभी बैठ जाने का मन ना करता हो। पर तुम्हें लगता है यार ये सब तो बचपना हो जाएगा, हम बचपना कैसे कर सकते हैं? अपने आप को बचपने की अनुमति दो। जो बड़ा होता है वो होता है जो अपने बचपने को दोबारा हासिल कर लेता है। बात समझ में आ रही है? बड़ा वो नहीं है जो बचपने को पीछे छोड़ाया है, बड़ा वो है जिसने अपने बचपन को दोबारा हासिल कर लिया है। वक्त तुमसे तुम्हारा बचपन छीन रहा था, तुमने उसे छीनने नहीं दिया, यही तुम्हारा बड़प्पन है। अपना बचपन, और मेरा बचपन से अर्थ है तुम्हारी सहजता, तुम्हारी निर्दोषता, तुम्हारी साफ आंखें, तुम्हारी निष्कपटता, इनको छीनने मत देना। किसी को यह हक ना दो कि वो तुम्हें बताए कि बड़ा वो जो कपटी हो गया हो, कि बड़ा वो जिसने तमाम तरीके के छल सीख लिए हो, वो नहीं है बड़ा। बेखौफ होकर के बच्चे बने रहो, जब बच्चा बच्चा रहता है तो उसके पास बस सरलता होती है, और बच्चे की सरलता छिन जाती है उसके किशोर होने तक। पर जब बड़ा बच्चा होता है तो उसके पास सिर्फ सरलता ही नहीं रहती,
उसके पास सरलता के साथ साथ बोध भी रहता है। तो बड़ा जब बच्चा होता है तो बुद्ध जैसा हो जाता है, और उसका बच्चा होना अब कभी छिनेगा नहीं। बच्चे का बचपन तो छिन जाना है, पर बड़ा जब बचपन को पुनः प्राप्त करता है तो अब वो बचपन कभी छिनेगा नहीं, क्योंकि वो बचपन सरलता तो लिए ही है, बोधयुक्त भी है, अब वो नहीं छिनेगा। तो समझदारी भी है और बचपना भी है, दोनों साथ साथ हैं। ये हुआ बड़ा होना, अब हम बड़े हो गए, समझदार भी हैं और बच्चे जैसे भी हैं, बोध भी है और निष्कपटता भी है। अनुभव तो है बहुत सारे, पर वो अनुभव हमारे ऊपर छा नहीं गए हैं। अनुभवों के बीच भी हम मलिन नहीं हो गए हैं। गाना सुना ना, दिल तो बच्चा है जी, मन में रहे सारा अनुभव, रहे सारा ज्ञान, रहे हृदय से बच्चे रहो। अभी बात मैंने बच्चों से बोली होती तो बच्चे कैसे करते, लेकिन तुम कुछ ज्यादा बड़े हो, तुम इतने बड़े हो कि तुम सबके बीच में एक ही बच्चा बैठा है जिसकी दाढ़ी सफेद है, बाकी सब बहुत बड़े बड़े हैं। मैं छोटा सा, तुम अंकल जी, प्रणाम करू तुम्हें, आदर सत्कार होना चाहिए तुम्हारा। बच्चे दौड़ भी लगाते हैं तो मजे में लगाते हैं, और बड़े दौड़ लगाते हैं देखा कितने गंभीर रहते हैं, पूरा आयोजन होता है, और बच्चे दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते हैं दौड़ते दौड़ते लगा कहीं और को मुड़ जाना तो मुड़ गए, ठीक रुकना है तो रुक भी गए, क्योंकि दौड़ते दौड़ते आधे रास्ते में नाचने लग गया, कोई दौड़ते दौड़ते अपने घर ही चला गया। बड़े बड़े गंभीरता से दौड़ते हैं, रेस जीतनी है। बच्चे इस्तेमाल करते हैं क्या किसी का? वो बहुत चालाक है, पर जो उतना चालाक होता है वो उतना मूर्ख होता है। हाँ, पर वैसे चालाक, हाँ वैसे चालाक, पर उसकी चालाकी किसी काम की नहीं है, ना उसके किसी काम की, ना किसी और के किसी काम की, मूर्खता ही है उसकी चालाकी, व्यर्थ ही सबको परेशान कर रहा है। वहां जबरदस्ती बैठते हो, यहां जाने के तीन तीन मौके थे उसके बाद भी बैठे हो, वहां कुछ हासिल करने के लिए बैठते हो, नंबर आ जाएंगे, या इस डर से बैठते हो कि अटेंडेंस कट जाएगी, यहां ना डर है ना लालच है, यहां तो अपनी मर्जी है, स्वेच्छा।